Okay, that is hydrology. So what hydrology actually this? What are the parameters? Which things are necessary? Okay, so hydrology का concept ये होता है. Hydrology generally क्या होता है? It is the science dealing with the distribution of soil. Distribution, okay, distribution. उसके बाद occur first होता है occurrence, distribution and circulation of water through a natural unending hydrologic cycle. Okay, ये जो science होता है उसको बोलते हैं hydrology. तो hydrology का basic importance क्या होता है? Suppose major मतलब ज्यादा use का होता है. जब भी आप कोई structure design करते हो, suppose you are going to design any structure. Okay, you need to analyze the data, agrometeorological data. Okay, like a temperature data. Like temperature data. Wait a minute, एक मिनट. What we in hydrological while we design any kind of structure, we need to analyze hydrometeorological or agrometeorological data. Okay, agrometeorological data we need to analyze according to the requirement. So that include temperature data, rainfall is major. Okay, hydrology में हम rainfall के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे कि rainfall किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन हम करते हैं. उसके बाद देखेंगे उसमें आया फिर सनशाइन आवर्स किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, विंड वेलोसिटी किस तरह से रिकॉर्ड की जाती है. तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं. तो इसका बेसिक मोटो क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चर हो, अगर रन ऑफ आपको एस्टिमेट करना है कोई भी वाटरशेड में के, ठीक है, सपोज दिस इज एक वन ऑफ द वाटरशेड एंड यू नीड टू डिटरमाइन रन ऑफ जनरेटेड फ्रॉम दैट वाटरशेड. सो दिस रन ऑफ इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ द लैंड हो गया. ओके, लैंड की ज्योग्राफी पे डिपेंड होता है. उसके बाद उसके क्लाइमेटिक नेचर कैसा है उस पर डिपेंड होता है. तो ये सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल थिंग्स इन अ the hydrology. So actually what hydrology is nothing but the science which is dealing with the study of occurrence, circulation, occurrence, distribution and circulation of water through natural unending cycle. Okay, as we know here the diagram represents the hydrological cycle, as we all know that. ओके, सो ये बेसिक है. हाइड्रोलॉजिक साइकिल में क्या होता है, ओशन में पानी जाता है, ओशन से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. ओके, क्लाउड फॉर्मेट होने के बाद दिस क्लाउड मूव्स टू अपवर्ड एंड फ्रॉम दैट दीज क्लाउड्स आर मूव टुवर्ड्स द लैंड. ओके, बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर डिफरेंस और बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस. ओके, डेंसिटी डिफरेंस बाद होने के बाद क्या होता है, जैसी क्लाउड्स ड्यू टू लो डेंसिटी दैट क्लाउड मूव्स अप and when these clouds come in contact with the cold air, okay, with the cold air, so that there is a rainfall, there is a start of rainfall. Okay, there is start of rainfall, or generally we call it as a precipitation. Rainfall is another, is the type, but the basic is rainfall. Okay, rainfall or precipitation. उसके बाद क्या होता है, precipitation होने के बाद कुछ पानी transpiration होता था, कुछ पानी जमीन के नीचे चले जाता है. ओके, जमीन के नीचे जाने के और कुछ पानी जो है जो that some water is moving over the surface as a surface flow. And this finally all this water that is moving in the below the ground or moving on the earth surface that finally reaches to the ocean. So this cycle is continuous. Okay. दिस साइकिल क्या होता है, ये साइकिल क्या कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग होता है. हर साल आप देखते हो इंडिया में तीन ऋतु होते हैं, रेनी सीजन, समर सीजन एंड विंटर सीजन. सो दिस इज आवर कंप्लीट प्रोसेस अबाउट
हाइड्रोलॉजिक साइकिल. सो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स. ओके, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है उसमें एज कंपेयर टू हाइड्रोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रेसिपिटेशन. ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द दिस हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज प्रेसिपिटेशन. उसके बाद होता है इवेपोरेशन, उसके बाद होता है ट्रांसपीरेशन. ओके, उसके बाद होता है ट्रांसपीरेशन, फिर उसके बाद इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है, परकोलेशन हो जाता है, और कुछ ग्राउंड फ्लो एज अ ग्राउंड फ्लो नीचे चला जाता है. तो ये सारी चीजें इस हाइड्रोलॉजी में कंसिडर की जाती है. ठीक है, तो इसमें किस तरह से करेंगे, प्रेसिपिटेशन किस तरह का होता है, व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन, व्हाट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन आते हैं. ओके, उसके बाद इवेपोरेशन किस तरह से मेजर किया जाता है, ट्रांसपीरेशन किस तरह से मेजर किया जाता है. ओके, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली इसको एनालाइज करके देखेंगे. एंड टुडेज आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेशन, व्हाट एक्चुअली इज द प्रेसिपिटेशन. ओके, इट इज प्रेसिपिटेशन, ये क्या होता है, एनी वाटर का फॉर्म होता है. इट इज नथिंग बट द एनी फॉर्म ऑफ वाटर, और द प्रेसिपिटेशन इज फॉल ऑफ वाटर इन अ वेरियस फॉर्म. ओके, जैसे कि आप देखते हो स्नो होता है, ओके, रेनफॉल होता है, देन उसके बाद स्लीट होता है, हेल्स होता है. ओके, तो ये सारे क्या है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स है. ये क्या है, सारे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स है. जनरली प्रेसिपिटेशन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है. ठीक है, सॉलिड प्रेसिपिटेशन में कौन आता है, जैसे कि ये स्नो सॉलिड होता है. ठीक है, स्लीट सॉलिड होता है, हेल्स सॉलिड होता है. ओके, स्लीट होता है, सॉलिड होता है, दैट इज नथिंग बट द रे फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. एंड द लिक्विड फॉर प्रेसिपिटेशन कम्स विद द टू फॉर्म, दैट इज रेन. रेन एक होता है और ड्रिजल एक होता है. ठीक है, एक रेन होता है और एक ड्रिजल होता है. तो ये दो फॉर्म होते हैं प्रेसिपिटेशन के, जो जनरली कंसिडर करते हैं व्हाइल वी आर बीइंग. द यूजुअल फॉर्म्स आर दीज आर द यूजुअल फॉर्म्स, व्हिच वन, रेन इज हियर, रेन इज हियर, स्नो, स्लीट, ग्लेज एंड हेल्स, हेल्स एंड ड्यू. ओके, तो ये क्या है, जनरल प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स है. सो दिस फॉर्म्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड हाउ टू मेजर दैट फॉर्म, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजी. अगर रेन होती है तो कितनी रेन होती है, ये आपको मेजर करना हो तो वी कैन गो फॉर हाइड्रोलॉजी. ठीक है, हम हाइड्रोलॉजी का यूज करते हैं और उसके बाद हम पढ़ाई कर उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं. तो जनरली क्या होता है, रेन इज नथिंग बट वॉट, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर ड्रॉप. ओके, उसमें साइज कितनी होती है, 0.5 mm टू लेस देन 6 mm, मतलब रेंज क्या होती है, 0.5 mm टू 6 mm के दरमियान रेंज में क्या होती है, उसकी साइज होती है रेन ड्रॉप की. रिमेंबर दैट, ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछा जाएगा. कोई भी आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम कर रहे हो एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. उसके बाद स्नोफॉल होता है. स्नोफॉल सबको पता है, इफ यू आर विजिटिंग टू कश्मीर और जम्मू कश्मीर, तो आपको वहाँ पे स्नो मिलेगा. ठीक है, तो स्नोफॉल होता है. तो स्नोफॉल क्या होता है, द लार्जेस्ट स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द क्लाउड्स ऑन द ग्राउंड सर्फेस इज कॉल्ड एज स्नोफॉल. लार्ज फ्लेक्स होते हैं. इनफैक्ट स्नोफॉल इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाइट और ओपेक ग्रेन्स ऑफ आइस. ओके, इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाइट एंड ओपेक ग्रेन्स ऑफ आइस. एवरेज डेंसिटी इज अराउंड 0.1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. ओके, सेंटीमीटर क्यूब होती है. स्लिट को भी स्लिट क्या रेफर करता है, मैक्सिम मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन. स्लिट क्या होता है, ये मिक्सचर होता है रेन और स्नो का. उसके फॉर्मेशन से जो भी प्रेसिपिटेशन होगा उसे हम स्लिट कहेंगे. हेल्स क्या होता है, हेल्स इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्जर पैलेट्स और स्पीयर्स ऑफ आइस. ओके, इसका डायमीटर अराउंड होता है 5 to 50 mm. मतलब ये जो होता है ना, जिस तरह से ज्यादा वर्षा होती है, मतलब डायमीटर ज्यादा होता है, तो वो क्या कहते हैं हम उसे, दैट वी कॉल्ड एज अ हिल. देन ड्रिजल. ओके, ड्रिजल क्या होता है, इसका डायमीटर ड्रिजल इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रेन और लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. बट इसमें क्या होता है, वॉट वी डू हियर, द साइज इज लेस देन 0.5 mm. ओके, 0.5 mm ड्रॉपलेट साइज कितनी होती है, लेस देन 0.5 mm. एंड इसकी डेंसिटी होती है लेस देन 0.1 cm, लेस देन 1 cm, इट इज नॉट अ पॉइंट. ओके, इट लेस देन 1 cm पर आर. ठीक है, इसमें डेंसिटी क्या होती है, लेस देन 1 cm पर आर. तो ये जो है, तो बेसिक और जो यूजुअल फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन के, वो जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. अभी प्रेसिपिटेशन किस तरह का होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन किस तरह का और किस तरह से होता है, और क्यों प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब कैसे प्रेसिपिटेशन होता है, हाउ रेनफॉल इज फॉल, व्हाट एक्चुअली द मेथड. सो देयर आर जनरली 4 टाइप्स. ओके,
There are only four types, that is convective precipitation, orographic, cyclonic and frontal precipitation. ये चार precipitation के types होते हैं. Now here condition for occurrence of precipitation, क्या condition होनी चाहिए? देखो precipitation में occur mainly when there is some mechanism to cool at the atmospheric air to bring it to the saturation. क्या होता है? Cool atmospheric air होती है to bring it to the saturation के लिए, saturation state के लिए. तो ये क्या होती है, मतलब ऐसा एटमोस्फियर, कूल एयर होती है जो सैचुरेशन, जो भी सॉइल मतलब क्लाउड सैचुरेशन होगा, अगर वो कूल एयर के कांटेक्ट में आया तो वहां पे क्या होगा, रेन हो सकते हैं, प्रेसिपिटेशन हो सकता है. इवन सैचुरेशन ऑफ एयर डज नॉट लीड टू प्रेसिपिटेशन. कभी कभी क्या होता है, एयर का सैचुरेशन भी प्रेसिपिटेशन को लीड नहीं करता है. तो प्रेसिपिटेशन ऑकर्स व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. ओके, ये कंडीशन सैटिस्फाइड होने के बाद ही प्रेसिपिटेशन ऑकर होता है. तो पहली कंडीशन होती है कूलिंग ऑफ एयर मास, कूलिंग ऑफ एयर मास होनी चाहिए. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ड्यू टू कंडेंसेशन, ओके, ये कंडीशन भी होनी चाहिए. ग्रोथ ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट वहां पे ग्रोथ होनी चाहिए. एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर, और वे जो ड्रॉपलेट है वाटर ड्रॉपलेट वो क्या होने चाहिए, एक्यूमुलेट होने चाहिए. मीन्स दे कम इन कॉन्टेक्ट क्लोजर टू क्लोजर, सो गिव द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कूल एयर मासेस. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा प्रेसिपिटेशन का बेसिक कंडीशन. Now what actually the convective precipitation, what actually the orographic precipitation, okay, and what actually the cyclonic precipitation and frontal precipitation. तो इसमें क्या होता है, देखो orographic precipitation, cyclonic precipitation में have you seen the convective and orographic में देखो आप किस तरह से क्या होता है भी देखो. Have you see this diagram? Okay, diagram आपको दिख रही है. इसमें क्या हो रहा है, हीट क्या होती है, हीट जनरेट हो रही है. ओके, हीट इज जनरेटेड एंड दैट हीट फ्रॉम द सन, द सन रेज आर हीटेड द ग्राउंड सरफेस एंड दैट ग्राउंड सरफेस लीड्स टू इवेपोरेशन प्रोसेस, दैट इज इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस एंड दैट राइजेस दैट इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस. ओके, ग्राउंड में से क्या होता है, सारा वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस होती है. क्या होती है, क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, जो क्लाउड होता है वो ऊपर जाता है, मतलब इट टेक्स राइजेस सम हाइट एंड आफ्टर दैट व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड एयर, सो देर इज अ रेनफॉल. वो क्या होता है, फिर वहां से रेनफॉल होता है. ओके, उस वहां पे रेनफॉल होता है, वो जगह पे जहाँ पे क्लाउड होता है, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन. तो इसमें क्या होता है, इट ऑकर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर. क्या होता है, इट इज ऑकर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर एंड द एयर क्लोजेस्ट टू अर्थ सर्फेस गेट हीटेड, मतलब जो भी एयर होती है अर्थ सर्फेस के पास वो हीट हो जाती है एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस. ओके, जैसे ही वो हीट होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. डेंसिटी डिक्रीज होने के बाद क्या होता है, एयर माइस राइजेस अपवर्ड इन द एटमोस्फेयर एंड गेट्स कोल्डेड एडियाबेटिकली. ओके, जैसे ये हीट होता है और अपर जाता है तो वहां पे कोल्ड एटम एडियाबेटिकली कोल्ड हो जाता है टू फॉर्म अ क्लाउड एंड द प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय सच अ क्लाउड इज कॉल्ड एज कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन. इस तरह से इसका उसको क्या बोलते हैं, हम कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. आया ध्यान में, जैसे क्या होता है कि सॉइल the water from the soil get closed. Okay, मतलब जो भी sunrays होते हैं क्या करते हैं, एरिया को जो भी एरिया होगा वहाँ पे हीट होता है, वार्मर एयर उस पर राइजेस होती है. वार्मर एयर क्या करती है, मॉइस्चर साथ में लेके जाती है और जैसे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है वो ऊपर जाती है एंड वेन दे कूल्ड ऑटोमेटिकली एडियाबेटिकली वो क्या होती है, कूल्ड होती है और उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, तो उसे बोलते हैं हम कन्वेक्टिव टाइप प्रेसिपिटेशन. उसके बाद है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन. ओके, अभी ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है, देखो हियर प्रेशर डिक्रीज होता है और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ठीक है. तो इसमें क्या होता है, ओरोग्राफिक में ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर ड्यू टू असेंट एयर फोर्स बाय माउंटेन बैरियर लाइन अक्रॉस द डिरेक्शन ऑफ एयर फ्लो फोर्सेस, द मॉइस्चर लैडन एयर राइज अलॉन्ग द माउंटेन प्लेन स्लोप, इट रिजल्ट्स इन कूलिंग कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. इसमें क्या देखो, अभी इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो भी एयर मास फॉर्म होता है, ठीक है, जो भी एयर मास यहाँ पे फॉर्म होता है तो वो क्या करता है, मूव होने के लिए, जैसे कि डेंसिटी, जैसे ही डेंसिटी उसकी कम होगी
तो वो क्या होता है, मूव होने लगता है, ठीक है। मूव होने के बाद क्या होता है, जैसे इफ देर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इसके फ्लो में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई बैरियर आ गया, ठीक है, इसके फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और बैरियर आ गया, तो क्या होगा, रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा, मॉइस्चर लैडिंग की वजह से क्या होगा, कंटिन्यू रेनफॉल यहाँ पे होने लगेगा। तो ये टाइप, ये जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अभी देखो यहाँ पे देखो आपको किस तरह से देखने को मिलेगा कि मॉइस्चर एयर, ये सी है, सी में से क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, क्लाउड जैसे ही इधर फॉर्म मूव होता है तो क्या होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दिस हिल, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दिस हिल और दिस पोर्शन, सो रेनफॉल इज कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग, रेनफॉल क्या हो गया उसमें स्टार्ट हो गया, गिरना चालू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा व्हाट, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, क्या हो गया उसको, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। हैव यू गॉट दिस ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन? अब इसकी डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको क्लियर है सर, हाउ टू कोल्ड सर, क्या हुआ सर, जो एयर से ऊपर जा रही है सर, ये कोल्ड कैसे हो रही है सर? कोल्ड एडियाबेटिकली कोल्ड हो रही है ना वो, ये जो मतलब हीट है उसमें मॉइस्चर होगा। सन तो सर, सनलाइट तो सर प्रेजेंट है ना सर, सनलाइट प्रेजेंट है, पर वो क्या होता है, वार्म एयर की वजह से। देखो यहाँ पे हुआ ना, अभी यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट आएगा, फिर यहाँ पे जो भी मॉइस्चर होगा सॉइल में, वो सारा मॉइस्चर क्या होगा, इवेपोरेट होना जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू वेपर स्टेट, वेपर क्या करती है, ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाने के एट सर्टन हाइट, ओके, एट अ सर्टन हाइट एयर कूल्स एंड कंडेंस विद अ हाइट फॉर्मिंग अ क्लाउड्स, मतलब एक सर्टन हाइट पे जाके वो क्या होती है, सारी एयर कंडेंस हो जाती है, ओके, उसमें मॉइस्चर होता है, जो एयर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है एट अ सर्टन हाइट, और उसके बाद क्या होता है, ड्यू पॉइंट, मतलब ये ड्यू पॉइंट हाइट होती है, तो उसके बाद जाने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, जैसे कंडेंसेशन प्रोसेस चालू हो गया तो डेंसिटी क्या होती है, उसकी कम हो जाती है, और वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऊपर, मतलब डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो ऊपर चला जाता है, ओके, और वो एडियाबेटिकली कूल्ड होता है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, हैव यू नो द एडियाबेटिक प्रोसेस? नो सर। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, टेम्परेचर बेस्ड प्रोसेस होती है, जैसे हीट का सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, हाँ क्या हुआ, प्रोसेस में सर हीट का मतलब ट्रांसपरेशन नहीं होता है, हाँ, तो ये इसमें क्या होता है, जैसे ही कूल, ये बेसिक अभी देखो ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप हीट करो, ठीक है, इवेपोरेशन आपको मेजर करना है, आप एक पॉट लो, हर सन में रख दो, ओके, सनरेज में रख दो, तो क्या होता है, प्रोसेस इवेपोरेशन चालू हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यू इवेपोरेशन चालू हो जाता है वहां पे, मतलब लिक्विड इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इन टू वेपर एंड वेपर इज मूविंग अपवर्ड, ओके, वेपर्स क्या होती है, अपवर्ड जाने लगती है, ऊपर जाने लगती है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद एक सर्टन हाइट होती है, वहां पे क्या होता है, ये जो वेपर्स होती है वो सारी क्या होती है, कंडेंस्ड होती है, ठीक है, कंडेंस होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, जैसे ही उसका डेंसिटी कम हो गया, ओके, जैसे ही उसकी डेंसिटी कम हो गई तो क्या होता है, अल्टीमेटली देर इज अ रेनफॉल, जैसे ही ऊपर गए, सपोज यहाँ पे क्लाउड फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्म हुआ और वो ऊपर गया, तो ऊपर जैसे ही जाता है तो एयर क्या होती है, वार्म होती है, कोल्ड होती है, ओके, तो क्या होता है, उसकी वजह से डायरेक्टली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, उसको आप बोलते हैं सर, जो क्लाउड से ऊपर गया सर, सन की लाइट तो सर वहां भी होगी ना सर, कहाँ पे, जब ऊपर जाएगा तो क्लाउड का, पर वहां पे इन्होंने बोला है ना कि एक सर्टन हाइट के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। अभी देखो सनरेज किस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है, सनरेज इस तरह से आ रहे हैं और यहां से वो ऊपर जाएंगे इस तरह से, ठीक है सर, कूल होने पे कंडेंसेशन होगा ना सर, हाँ कूल होने पे, तो वहाँ प्रेशर जो है सर कम होगा, तो इसी वजह से नहीं होता है कंडेंसेशन, प्रेशर क्या होगा, हाँ प्रेशर कम होता है ना, टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है ना, तब सर फेज चेंज होगा, क्या हुआ, टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा तभी फेज चेंज होगा वहाँ पे, टेंपरेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा, एयर ऊपर तो हॉट है, मतलब यहाँ पे वार्म एयर होती है ना नीचे ग्राउंड पे,
निचले से क्लाउड फॉर्मेशन की बात कर रहा है जो कोल्डेड एडियाबेटिक फॉर्म होगा। हाँ हेलो, यस सर। हाँ बोलो सर। जैसे जो क्लाउड फॉर्म होगा उसमें जब टेम्परेचर चेंज होगा तभी ना वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी ना फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा ऐसा नहीं, टेम्परेचर यहाँ पे तो पूरा कूल होगा ना, मॉइस्चर। अगर टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होगा, सपोज अगर टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होगा तो क्लाउड क्लाउड फॉर्म ही नहीं होगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, अगर सपोज एक आप एक वाटर लो, उसको हीट करो, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाओ, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाओ, जैसे आप हीट करोगे वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। जैसे आपको उस वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें क्या होगा, वाटर क्रिएट होगा ना, जो भी वेपर्स होगी वाटर की वो क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी। आया क्या ध्यान में? यस सर। देखो सिंपल बात है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे एक वो ये लो, तो वाटर लो, ठीक है, वाटर एक बीकर लो, ये बीकर है, यहाँ पे आपने हीट किया, ठीक है, वाटर है इसमें, इसमें वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, क्या हो गया, इवेपोरेट होगा। जैसे ये वाटर यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने क्या किया था, कोल्ड वेट मतलब कोल्ड एटमोस्फेयर क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जैसे ही वो कोल्ड ये जो प्रोसेस यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, मतलब कंडेंसेशन हो जाएगा। और जैसे ही ये कंडेंसेशन हुआ तो ये सपोज इफ यू ब्लो अ हॉट एयर, आप इसमें क्या करो, एक हॉट एयर ब्लो करो, तो ये क्या होगा, जैसे ही हॉट एयर इसमें आएगी तो क्या होगा, पानी नीचे आ जाएगा, पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरह से प्रोसेस क्या होती है, इसमें होती है, ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस क्या होती है, इसमें होती है। देखो यहाँ पे cumulonimbus clouds are formed and water droplets accumulated and rain fall as a rain due to gravity, ठीक है, जो प्रोसेस मैंने अभी बोली ना वही प्रोसेस यहाँ पे होती है। पर अगर आप ऐसा सोचोगे कि मतलब सनरेस तो इधर भी होते हैं, सनरेस तो इधर भी होते हैं ना, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? Yes sir। हाँ तो फिर अभी सनरेस से क्या हो गया, हॉट एयर क्या होगी, ब्लो होगी ना इधर से, सनरेस जो भी, पर हॉट एयर जो होगी वो ब्लो होगी। जैसे ही हॉट ये क्लाउड इसके कांटेक्ट में आएंगे तो प्रेसिपिटेशन फॉल होगा, प्रेसिपिटेशन होगा ना, सिंपल कॉन्सेप्ट। आप जाओ, आप यहाँ पे जाओ, हिल्स पे जाओ, ठीक है, हैव यू विजिटेड एनी हिल्स? यस सर। इन रेनी सीजन और इन विंटर सीजन आपको वहां पे ज्यादा मॉइस्चर मिलेगा, वहां पे क्लाउड्स मिलेंगे, और वहां पे आप जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हो तो क्या होता है, मॉइस्चर लगने लगता है आपको, ओके। मॉइस्चर क्यों लगता है, क्योंकि आप जिस गति से ऊपर जाते हो वो गति मतलब वो एयर और वो क्लाउड दोनों का हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफर वहां पे होता है, और हीट ट्रांसफर की वजह से क्लाउड प्रेसिपिटेशन ग्रेविटी की ड्यू टू ग्रेविटी फॉल प्रेसिपिटेशन इज ऑकर, ड्यू टू ग्रेविटी प्रेसिपिटेशन इज ऑकर, और इट इज ऑकर ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर, क्या होता है, एयर हीट होने के बाद ऑब्जर्व होता है, ओके। एंड वट एवर एयर एट द ग्राउंड सर्फेस दैट गेट हीटेड एंड द डेंसिटी डिक्रीजेस, ओके। जैसे भी ग्राउंड के यहाँ पे मतलब एक डायग्रामेटिकली है, पर एक्चुअली यहाँ पे पूरे ग्राउंड पे हॉट एयर होती है, और हॉट एयर जैसे ही यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो नीचे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होने लगता है। तो ये कॉन्वेक्टिव टाइप प्रेसिपिटेशन होता है, ओके, ये कॉन्वेक्टिव टाइप प्रेसिपिटेशन, एंड दैट इज कॉज्ड बाय सच अ क्लाउड्स आर कॉल्ड एज कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल वही सही, आप कोई भी देखो, आप जितने भी क्लाउड्स की स्टडी करो प्रिंसिपल वही होगा। सिर्फ अभी देखो कन्वेक्टिव में क्या हुआ, जैसे कि ग्राउंड की हॉट एयर जैसे ही एट अ हाइट वहां पे उसके कॉन्टेक्ट में आई तो प्रेसिपिटेशन चालू होगा। ओरोग्राफिक के बारे में अलग है, ठीक है, ओरोग्राफिक में आपने क्या, हमने क्या देखा कि जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह से ये देखो, ये ओरोग्राफिक, जैसे कि देखो ये वार्म एयर राइज होती, वार्म मॉइस्ट एयर होती है, ओके, ये राइज होते होते क्या होती है, क्लाउड्स कंडेंस होती है। जैसे ही क्लाउड्स मूव होने लगते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ओके। ऑब्स्ट्रक्शन आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पानी चालू हो जाता है। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, बैरियर आएगा, कोई भी बैरियर आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल चालू हो जाता है। रेनफॉल चालू होने के बाद जैसे ही
यहाँ पे पानी हो गया, मतलब पानी यहाँ इस क्लाउड में से पानी नीचे चला गया, मतलब प्रेसिपिटेशन हो गया उसका, और उसके बाद वो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या होता है, आगे चला जाता है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन क्या है, आगे चला जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर कम हो जाता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर मतलब रेनफॉल, देख लो आप कोई भी जैसे भी, अभी महाराष्ट्र में बोलता हूँ मैं अभी, ठीक है, महाराष्ट्र का अगर आप टोपोग्राफी देखो तो इस तरह से कुछ ऐसा टोपोग्राफी है महाराष्ट्र का। ठीक है, ये महाराष्ट्र का सेक्शनल व्यू है। तो जैसे ही रेनफॉल क्लाउड यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे ज्यादा पानी होती है, ये रीजन में ज्यादा बरसात होती है एज कम्पेयर टू दिस रीजन, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, मतलब जो भी यहाँ पे सी है तुम्हारा, अरब सी यहाँ पे, अरबी समुद्र यहाँ पे, तो जैसे ही सी फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो सारा मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी जो होता है मतलब विंडवर्ड साइड में हो जाता है। ओके, ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल आपको यहीं पे देखने मिलेगा। और कोई भी देख लो इंडिया का, इंडिया में देखो जैसे कि हिमालय रेंज है, तो हिमालय रेंज में जहां से भी क्लाउड्स आते हैं तो उसके ये साइड मतलब उसके जिस साइड से क्लाउड आ रहे हैं वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हियर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा लीवॉर्ड साइड, ये हो गया तुम्हारा विंडवॉर्ड साइड। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर, यहाँ पे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है। ठीक है, ये उसकी तरफ कंसेप्ट, ये उस तरह से कंसेप्ट किया जाता है। ओरोग्राफिक आया ध्यान में आपका, और कन्वेक्टिव आया क्या? Yes, sir. देखो कन्वेक्टिव एक बार और एक बार कंफ्यूज, आप कंफ्यूजन क्लियर कर लो। ठीक है, कि ठीक है, रेन आई मतलब सनरेज से रेज आए, इवेपोरेट किया, ठीक है, इवेपोरेट किया, इतने पोर्शन आप क्या है, हॉट एयर है एट अ सर्टन हाइट, सर्टन हाइट, तो जैसे ही पानी, जैसे ही सॉइल में से मॉइस्चर इवेपोरेट होगा, सॉइल या वेजिटेशन जो भी होगा, इवेपोरेशन इवेपोट्रांसपीरेशन होगा, वो ऊपर जाने के बाद कंडेंस क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। जैसे ये क्लाउड फॉर्म हुआ, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस वार्म एयर। ओके, ये क्या होता है, इसमें वार्म एयर के कॉन्टेक्ट में आता है ये, मतलब ये एयर ऊपर जाती है थोड़ी, ठीक है, तो उसी की वजह से जैसे हॉट कोल्ड ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट, सो व्हाट हैपेंस, रेनफॉल स्टार्ट्स, मतलब जो भी मॉइस्चर है वो कम नीचे, मतलब रेनफॉल प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा व्हाट, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक आपको समझ में आ गया कि इस तरह से क्या होता है, मॉइस्ट एयर मूव होती है, और मूव होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है, एयर राइजेस, इट कूल्स, एक्सपांड्स एंड हैज लेस एबिलिटी टू होल्ड द वाटर वेपर। ओके, जैसे उसका मतलब जैसे एयर होती है, कूल एयर होती है, वो वार्म मतलब उसकी एबिलिटी कम हो जाती है वेपर होल्ड करने की, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, it starts moving, and then as if there is an obstruction or barrier, if there is an obstruction or barrier, so that causes the rainfall. Okay, that starts precipitation. मतलब वो snow भी हो सकता है, वो hills भी हो सकता है, और वो that is also sleet भी हो सकता है. Okay, fog भी हो सकता है. Okay, so different form. And air warm as it is descends and increasing the amount of water vapor it can be hold. ठीक है, जैसे ये clouds आगे आगे जाते हैं तो उसमें से moisture क्या होता है, कम कम होते जाता है और वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा orographic precipitation. Now cyclonic precipitation. अभी cyclones आते हैं ज्यादा से ज्यादा. Okay, तो cyclone में क्या होता है, this is low pressure zone. ये warm air होती है, तो warm air क्या करती है, तेजी से घूमने लगती है. ओके, ये वार्म एयर और कूल एयर, यहाँ पे क्या होती है, वार्म फ्रंट और उसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट. जैसे कि जैसे ही वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट के कांटेक्ट में आया तो उस दिस कॉजेज अ प्रेशर डिफरेंस. ओके, दिस कॉजेज अ प्रेशर डिफरेंस विच लो प्रेशर जोन. ओके, दैट इज अ लार्ज, मतलब साइक्लोन के सेंटर में जो होता है वो सारा लो प्रेशर जोन होता है. मतलब ये जो सारी वार्म एयर और हॉट एयर दोनों का मिक्स क्या होते है, इस तरह से वो रोटेट होते चली जाती है विद विंड वेलोसिटी, जैसे ही फ्लो होता है तो वहां पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है. ठीक है, जैसे कि देखो अभी जैसे कि समंदर में जब साइक्लोन आता है, ठीक है,
तो वो इसी तरह का साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है और इट इज अ लार्ज जोन ऑफ लो प्रेशर विच इज सराउंडेड बाय सर्कुलर विंड मोशन। ओके, एयर टेंड्स टू लो प्रेशर जोन, मतलब जो भी एयर होती है वो लो प्रेशर जोन की ओर जाती है फ्रॉम अ डिस्प्लेस लो प्रेशर साइक्लोनिक टू मूव इन टू द सराउंडिंग एयर इन टू अपवर्ड डिरेक्शन। ओके, जैसे जैसे लो प्रेशर की जोन की तरफ जाने लगती है तो ऊपर की ओर अपवर्ड मूव इन अपवर्ड एयर अपवर्ड डिरेक्शन, दस ऑकर्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इन अपवर्ड डिरेक्शन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ओके, ये क्या होता है, दिस इज वॉट ड्यू टू अपवर्ड डिरेक्शन इन प्रेशर डिफरेंस की वजह से साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व होता है। उसके बाद है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। अभी देखो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन किस तरह से होता है, ठीक है, ये है तुम्हारा वार्म फ्रंट, मतलब वार्म एयर, ठीक है, कंडेंस क्लाउड होते हैं और ये हेवी रेनफॉल और अलोंग विद दिस एंड दिस इज फ्रंट होता है, ठीक है। जैसे ही वार्म फोर्स, मतलब वार्म एयर और कोल्ड एयर, ओके, और कोल्ड एयर दोनों का फ्रंट एक जैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, वार्म एयर दोनों का सरफेस एक विथ स्ट्राइक विथ ईच अदर और इम्पैक्ट विथ ईच अदर, देन क्या होता है, रेनफॉल शुरू हो जाता है। ओके, दिस टाइप ऑफ इट इज टाइप ऑफ साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन व्हेन टू कॉन्सेंट्रेटिंग एयर मासेस, ओके, दीज आर द टू कॉन्सेंट्रेटिंग एयर मासेस, दैट इज कोल्ड पोलर एयर मास एंड वार्म वेस्टर्नली एयर मास, मतलब दो होती है, वेस्टर्नली एयर मासेस होती है और पोलर एयर मासेस होती है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डिरेक्शन कन्वर्जेस अलॉन्ग अ लाइन। ओके, मतलब वो दोनों अपोजिट साइड से आते हैं, मतलब यहाँ से एक वार्म फ्रंट आता है और एक तरफ से कोल्ड फ्रंट आता है, ठीक है। तो अभी देखो, ध्यान में रखो, जब भी वार्म फ्रंट आएगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ओके, जो भी कोल्ड फ्रंट आएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से क्या होगी, फ्रंट फॉर्म होगा, जैसे ही ये कोल्ड सरफेस वार्म के साथ स्ट्राइक होगा, ओके, इस तरह से उसका प्रोसेस होगा, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि वार्म सरफेस कम इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, हीट ट्रांसफर इज देयर एंड ड्यू टू द व्हाट प्रेसिपिटेशन और द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्टार्ट, दैट वी कॉल्ड एज द फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ओके, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, अ फ्रंट इज फॉर्म, ओके, एंड द वार्म विंड इज लिफ्टेड अप अलॉन्ग विद द फ्रंट, वेयर एज द कोल्ड एयर बीइंग हेवियर टू सेटल एट दी डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, दैट इज वार्म एंड कोल्ड, हैव अ डिफरेंट टेम्परेचर एंड डेंसिटी, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ऑकर्स व्हेन दे क्लैशेस विद ईच अदर, जब ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे को क्लैश करेंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस फॉर्म होगा और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो दिस इज वॉट द फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, सो दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, फॉर दैट इज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन एंड द फर्स्ट वन इज कन्वेक्टिव टाइप प्रेसिपिटेशन। ओके, सो नाउ हियर दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस। ओके, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन आया ध्यान में आपका, कन्वेक्टिव आया, हैव यू गॉट कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सर वो जो जब एयर जो वाटर जब ऊपर जाएगी, हाँ, तो उसको और हीट मिलेगा तो और इवेपोरेट होना चाहिए, तो कैसे वो कंडेंस हो जाएगी, ये नहीं समझ में। कंडेंस, अरे देखो सिंपल है ना, जैसे ही एक सर्टन हाइट, ये जो रेज होती है ना, सन रेज जो होती है ना, यस सर, वो क्या होती है, जमीन पे आती है, कुछ एब्सॉर्ब होती है, ठीक है, कुछ जमीन में चली जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ एब्सॉर्ब हो जाती है, ओके, और कुछ इसमें ही रहती है, तो क्या होती है, जैसे ही ये जो होता है प्रोसेस कंडेंसेशन का, एट अ सर्टन हाइट वाटर वेपर्स क्या होते हैं, एट अ सर्टन हाइट पे जाके कंडेंसेशन प्रोसेस उनका चालू होता है, अगर कंडेंसेशन प्रोसेस वहां पे चालू होता है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम ही होगा ना, टेम्परेचर, कंडेंसेशन कब होता है, जैसे फ्रिज देखो, फ्रिज में आपको एक वाटर लो, वाटर का बाउल लो, फ्रिज में रख दो, क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, क्यों कंडेंसेशन होता है, वहां पे टेम्परेचर कम होता है कि नहीं, यस सर, हाँ, तो एक मतलब उसी तरह से प्रोसेस ऊपर क्लाउड वहां पे भी होती है,
मतलब एट अ सर्टन हाइट, मतलब वो हाइट पे जाके क्या होता है कंडेंस, मतलब सॉइल वहां पे टेम्परेचर कम होता है तो जो भी वाटर पार्टिकल्स है, जो भी वेपर्स पार्टिकल है वो क्या होते हैं कंडेंस्ड होने चालू हो जाते हैं। ठीक है सर, ऊपर ऊपर टेम्परेचर कम होता है क्या? फिर टेम्परेचर तो कम ही होता है ना, उसी की वजह से तो कंडेंसेशन होता है ना। तो वही सर, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है कंडेंसेशन होता है। देखो यहाँ पे अभी ये देखो, यहाँ पे देखो वार्म मॉइस्ट एयर, मतलब वो जो होती है, वो जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर होता है और वार्म होती है, पर जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसमें क्या होता है मॉइस्चर कंडेंस होते जाता है और टेम्परेचर कम होने लगता है, और फिर उसके बाद क्या होता है क्लाउड्स एंड कंडेंसेशन चालू हो जाता है। मतलब कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है, जो भी एक एक ड्रॉपलेट पार्टिकल है, सपोज वेपर इस तरह से, वेपर इस तरह से क्लाउड में है, ठीक है, वेपर इस तरह से क्लाउड में, जैसे ही उसमें टेम्परेचर कम होगा, अभी इसमें देखो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मोलिक्यूल ज्यादा है, ओके इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मोलिक्यूल्स में ज्यादा है, पर जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, ओके इफ टेम्परेचर इज डाउन, तो क्या होगा ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा और सारे पार्टिकल जो है वो इस तरह से क्या हो गए कंडेंस होने में चले जाएंगे। ठीक है, कंडेंस होते जाएंगे, कंडेंस होते होते उसका क्या फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, कम हो जाएगी, क्या होगी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे डेंसिटी कम होगी तो ये मूव होने लगेंगे, मतलब कहाँ जाएंगे, जो कम डेंस ज्यादा जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे हाँ तो ऊपर जाएंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वो ऊपर जाने के बाद क्या होता है वो व्हेन इट कम्स इन द वार्म एयर, जैसे ही वार्म एयर क्या होती है मूव होती है, आप बोल रहे हैं ना कि मतलब यहाँ से सर यहाँ पे ऐसा सन है, ओके यहाँ से इवेपोरेशन होगा, तो ये इस तरह से जाएंगे, इस तरह से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के जैसे बाद अभी उसी तरफ क्या होता है वार्म, जैसे ये जो रेज होते हैं, ये रेज होते हैं यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट होते, और रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर नहीं जाते, ठीक है, वो इधर ही रहते हैं एट अ सर्टन हाइट, तो वहां पे कंडेंसेशन चालू हो जाता है। और आप बोल रहे हैं ना कि वार्म एयर जैसे ये क्लाउड्स के कॉन्टेक्ट में आती है, वार्म एयर जैसे क्लाउड्स के कॉन्टेक्ट में आती है तो प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब कोल्ड इज डायरेक्टली कमिंग विद दी हॉट, सो व्हाट हैपेंस क्या होता है मॉइस्चर, मतलब घाम निकलने चल, देखो अभी हमारा जैसे ही समर सीजन में हम जैसे ही वॉकिंग करते हैं तो क्या हमें हीट, हमारे बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, पर जैसे ही वार्म एयर हमें लगती है तो क्या होता है मॉइस्चर रिलीजेस फ्रॉम आवर बॉडी, मॉइस्चर क्या होता है रिलीज होता है, तो उसी तरह से प्रोसेस इसमें होती है, और इसका और डिटेल हम कल पढ़ लेंगे, इसका और डिटेल इसमें कि एक्चुअल प्रोसेस किस तरह से होती है। ठीक है, ओके ओके चलेगा, तो ठीक है, तो आज हम यही पे रुकेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट प्रेसिपिटेशन किस तरह से किया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, और इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।